हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं गुलुलु, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल कॉन्टेंट रेमेकर। दोस्तों देख सकते हैं ये सेम वी आईडीएफ रूम है जिसका मैं पिछला वीडियो में दिखाया था, और यहाँ पर वो रूम है जो कि थोड़ा क्रिटिकल काम है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बैंड में ये बनाने वाला है, सेम वो बैंड कैसे बनाते हैं हम और कितना मेजरमेंट लेने के बाद एक्यूरेट 90 डिग्री बैंड बनता है वो हम दिखाने वाले हैं। और हम बाहर चल जाते हैं और बैक कैमरा भी कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेशियो है जो कि दो सोर्स के लिए बोल रहा था हम, और हम अभी ये रेड वाला में पहले बैंड बना के दिखाएंगे और वो ब्लू वाला जो बैंड है ऐसे ही जाएगा, सेम मेजरमेंट है। हम आपको मेजरमेंट दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने रेशियो को लाके यहाँ पर रख दिया, आप चाहे तो इसको पेंसिल में कर सकते हैं। उसके बाद राइट एंगल चाहिए और थोड़ा राइट एंगल से थोड़ा हमको बड़ा वाला चाहिए क्योंकि ऐसे क्रॉस मेजरमेंट कर लिए ये हमको ज़रूरत है। उसके बाद तो कटिंग करने के लिए पहले चश्मा की ज़रूरत है, उसके बाद एंगल ग्राइंडर हम यूज़ किया है, उसके बाद फाइल, उसके बाद हमर, उसके बाद नॉट बोल्ट, दो पीस नॉट बोल्ट में ये ब्रेंड का कपलर लगा दिया जाएगा, उसके बाद स्पानर। ओके, तो पहले मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट हमको चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 1900 and 10 mm। ओके, ये होता है 150 mm by 150 mm। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2000 है, 1910 यहाँ पर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने का बाद हमको और एक मार्किंग करना है जो कि इधर आगे को बेंड के लिए हमको 3 मार्किंग करना है, एक सेंटर, एक ए साइड, एक ओ साइड। ओके, तो 1910 के बाद हमको ये 150 का रेशियो है, 150 का रेशियो के लिए हमको 300 लेना चाहिए, बट उसको फिनिशिंग से करने के लिए हमको 297 लेना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 200 से स्टार्ट किया तो 500 में हमको 300 हो जाता है, बट तो हम क्या करेंगे 3 mm उससे माइनस करेंगे। ओके, और उसका सेंटर निकालने के लिए हमको 150 से 1.5 mm हमको माइनस करना है। बराबर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पास में थोड़ा दिखा लो, इधर यहाँ पर दिखाओ, तो यहाँ देख सकते हैं 200 से स्टार्टिंग हुआ है। यहाँ पर आ जाओ, 150 mm से 1.5 mm कम में है, तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं हमको 300 से 3 mm कम है। ओके, तो इसको पहले राइट एंगल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको राइट एंगल किस दिशा में लेना है वही दिशा में आपको मार्किंग करना है। जैसे कि देख सकते हैं ये रेशियो ऐसे आएगा तो हमको ए साइड घुमाना है, ए साइड घुमाएगा तो हमको बराबर आएगा क्योंकि हम इसको उल्टा रखा है। ओके, ये ऐसे बैठने वाला है बट हम ऐसे करके मार्किंग करते हैं। ओके, तो हम ए साइड को उठाना है, ए साइड तो दोनों साइड उठाना है, सेंटर वाला ए साइड को उठाना है। ओके फ्रेंड्स, ये साइड को एक उठा दिया, बाद में सेंटर वाले साइड को, तो इसको क्या करेंगे हमको ऐसे क्रॉस मार्किंग कर लेना है। तो इधर पास में आ जाओ थोड़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको फ्रेंड्स, आपको पूरा ध्यान देना है, ये प्लेट जो 1.5 टू 2 mm के मोटाई है ये मोटाई को आपको छोड़ देना है। ओके, इतना कम से कम छोड़ना है, छोड़ने के बाद आपको इधर से मार्किंग करना है, लेकिन ये साइड पूरा लास्ट तक मार्किंग करना है। तो यहाँ पर दिखा दो, दिखा दो, दिख रहा है थोड़ा पास, ये मार्किंग हो गया देख सकते हैं थोड़ा,
ठीक है, उसी तरह ये साइड भी उठा लेंगे ऊपर। ओके फ्रेंड, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 1.5 mm के आसपास तोड़ दिया है। अभी इसको दूसरा डायरेक्शन में पलटी ले कर लेना है। पलट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग में ये स्ट्रेट उठा लिया ये साइड को। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कैमरा घुमा के दिखाई बराबर। अभी ए साइड का क्या करना है, ए साइड को भी ऊपर उठा लेंगे। सेम नीचे जैसा मार्किंग किए थे हम ए साइड भी ऐसा कर लेंगे। अभी सेंटर का हिस्सा इधर उठाना चाहिए हमको, सेंटर का भी ए साइड उठा लेना है। तो यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर है, मैंने सेंटर को ऊपर उठाना है क्योंकि वो साइड भी ऐसा कटिंग होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये उठा लिया मैंने सेंटर को इधर, और उस सेम नीचे जैसा मार्किंग किए थे क्रॉस मार्किंग, इसको भी कर लेना है। ओके, ये साइड भी ऐसा ठीक उसी तरह कर लेना है। आपको ध्यान देना है जो साइड पूरा लास्ट होता है ये पूरा एंड तक मार्किंग होना, और ये वाला देखिए ये सेंटर का हिस्सा है ना, इधर से 1.5 mm हमको डिस्टेंस छोड़ देना। इसके वजह से क्या होगा कि हम गैप जो इधर लास्ट में रहना चाहिए वो गैप नहीं रहेगा। जैसे तो यहाँ पर एक कपलर बनेगा, कपलर के लिए अंदर से कुछ 40 mm के आसपास मैंने अंदर से मार्किंग कर लिया है। 40 mm तो नहीं है, 40 mm के आसपास हो। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, हमने एग्जैक्ट सेंटर में होल करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है थोड़ा प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं होल करने का एक, आप अगर सेंटर पंच मारते हैं तो ठीक है ये बीट सेंटर में रुकेगा, अदरवाइज ही क्या आप जब डायरेक्ट मारना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले प्रेस करता हूँ, कितना ये चीज़ प्रेस होता है, इसके नीचे कुछ दीजिए, अदरवाइज ये जब ऐसे बेंड होता है तो आपको इसको ऐसे घुमाना है थोड़ा सा ऐसे। ये जो प्लेट है, प्लेट और आपका ड्रिल मशीन एंगल पोजीशन में रुकना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ ऐसा पोजीशन करके इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। बाद में जब थोड़ा सा हो जाने के बाद मैंने लूज किया, उसके हिसाब से इसको भी डायरेक्शन को भी चेंज करते चला। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर सेंटर में हुआ है, सेंटर में लेके आओ और ऐसा दिखाओ। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से होगा तो आपका काम पे लगेगा, अदरवाइज ये होल बेकार में जाएगा। इसी प्रकार से चारों होल कर लेता हूँ। तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ, ये जो पीस है ना, ये पीस हमारा वेस्ट होता है, तो इसको हम इसी तरफ से पूरा काट के हटाएंगे, ये जो मार्किंग को जस्ट टच कर करके। ओके, मार्किंग ज़्यादा हटाएंगे नहीं, मार्किंग के ऊपर भी नहीं चलाएंगे मशीन, मार्किंग के अंदर हमको कटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यूज किया है एंगल ग्राइंडर का, स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने मार्किंग को बिल्कुल टच नहीं किया, कुछ उसी प्रकार से कटिंग किया, ये मार्किंग को सेम उसी प्रकार से कटिंग किया। बाकी ये रहा, ये थोड़ा घूमना पड़ेगा हमको।
छोड़ दो बंद करो। शादी करेगा? शादी नहीं हुआ अनमैरिड। शादी करेगा? शादी करेगा नहीं हुई है एक दिन दो दिन। देख सकते हैं दोस्तों ये राइट एंगल में भी हमारा पक्का हो गया। जो दोस्तों देख सकते हैं वो बैंड जो यहाँ पर लगा दिया हमने, ओके, और एक बैंड उसके बाद बनाया और वो छोटा सा पीस लगा था तो ये कंप्लीट हो जाता, बट टाइम आज के लिए खत्म हो गया। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो जरूर लाइक कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुलझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे और एक नए टेक्निक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।